हेलो नमस्कार दोस्तों, फ्री डिजिटल या स्टडी में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी गणित, जिसमें आप अध्याय 1 संबंध एवं फलन की प्रश्नावली 1.4 के अंतर्गत देखते हैं छठवां क्वेश्चन। तो छठवें क्वेश्चन में देखिए कहा गया है, मान लीजिए कि एन में मतलब प्राकृत संख्याओं में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए कौन सी चीज बताई गई है। संक्रिया जो है ए स्टार बी है, और ए स्टार बी का जो आंसर निकलेगा वो क्या होगा, ए तथा बी का एलसीएम। पिछली बार एचसीएफ कहा गया था, अब एलसीएम लघुत्तम समापवर्त की बात हो रही है। तो यदि आप प्राकृत संख्याओं में से कोई दो संख्याएं और भी लेते हैं तो उनका आंसर क्या होगा, उनका एलसीएम होगा, लघुत्तम समापवर्त। तो हमें निम्नलिखित ज्ञात करने हैं, हमें इसके 5 क्वेश्चन सॉल्व करके बताने होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल, फिर दिया है में क्या लिखेंगे, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार इस प्रकार से है। तो देखिए हमने लिखा दिया है में समुच्चय एन में, एन मतलब प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है एक द्विआधारी संक्रिया स्टार इस रूप में दी गई है कि ए स्टार बी का मान क्या है, ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित है। देखिए अब हम जो है इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया है कि 5 स्टार 7 मतलब 5 और 7 का हमें संक्रिया लगा के मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या मान होगा, देखिए जब हमें पता है ए स्टार बी का मतलब ए तथा बी का एलसीएम, तो 5 स्टार 7 का मतलब होगा कि 5 तथा 7 का एलसीएम, 5 तथा 7 का एलसीएम। अब देखिए एलसीएम तो आपको पता होगा, एलसीएम देखिए कैसे अब निकाला जाता है, यहां पे ध्यान देना। देखिए 5 और 7 का एलसीएम यदि आपको निकालना है तो आपको लिखना है 5 गुणे 7। इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं आता। 5 7 में कॉमन आप कुछ भी नहीं निकाल सकते, एक होगा कॉमन, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो 35 आंसर आएगा। तो इनका जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब देखिए यदि कहा गया है 20 स्टार 16 का मान भी ज्ञात करना है, तो हमने यहीं पे लिखा तथा 20 स्टार 16 का अब हम मान निकालेंगे तो क्या होगा। देखिए 20 स्टार 16 का मतलब है कि 20 तथा 16 का एलसीएम। अब देखिए इस बार जो है 20 और 16 का हमें एलसीएम निकालना है तो क्या होगा। देखिए एलसीएम जब भी आप निकालते हैं तो ध्यान देना, जैसे हमें 20 और 16 का निकालना है तो 20 गुणे 16 लिखा, लेकिन यदि हम देखें 16 और 20 में कॉमन जो है 4 है, क्योंकि 4 का भाग दोनों में जाता है तो कॉमन से हम डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 20 गुणे 16, जिन भी संख्याओं का हमें निकालना होता है वो दो संख्याएं आप गुणा में लिखेंगे और बटे में जो उनमें कॉमन है वो लिख देना। तो 4 पंचे 20 आप कर देंगे और 16 पंचे 80 हो जाएगा इनका एलसीएम। तो देखिए एलसीएम आप जब भी बड़ी से बड़ी संख्याओं का निकालें तो इस विधि का प्रयोग करें, आपको ज्यादा आसानी होगी। तो देखिए 5 स्टार 7 का मान 35 और 20 स्टार 16 का मान 80 हो जाएगा। तो पहला सवाल हमारा सॉल्व हो गया, अब हमें सेकंड सवाल करना है क्रम विनिमय के बारे में। तो देखिए क्रम विनिमय के लिए कौन सा नियम होता था, तो देखिए क्रम विनिमय क्या होता है, जब ए स्टार बी का मान बी स्टार ए के बराबर आ जाए, मतलब किन्हीं दो संख्या का यदि आप संक्रिया लगाते हैं और पलट के संक्रिया लगाएं तब भी आंसर एक से आने चाहिए। तो यहां पे आपको चेक करना है जो स्टार संक्रिया है वो क्रम विनिमय है या नहीं है बताना है। तो देखिए यदि हम बात करें, देखिए यहीं पे यदि हम देखें 5 स्टार 7 किया मतलब 5 7 का एलसीएम 35, यदि हमने पलट के कहा होता 7 स्टार 5 तो 7 5 का एलसीएम 35 ही होता। तो कहने का मतलब है कि ए स्टार बी का मतलब है ए बी का एलसीएम और बी स्टार ए का मतलब है बी ए का एलसीएम। आखिर एलसीएम है ए बी का निकालें या बी ए का निकालें, बात तो एक ही है। तो यहां पे ए स्टार बी का मान बी स्टार ए के बराबर रहेगा। तो देखिए हमने लिखा यहाँ एन में मतलब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में ए स्टार बी का मान बी स्टार ए के बिल्कुल बराबर है। जैसे हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे मान के चलिए 4 स्टार 6 किया, तो 4 स्टार 6 का मतलब होगा
चार तथा छह का एलसीएम। देखिए कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते थे। अब देखिए चार और छह का जो आप एलसीएम निकालेंगे तो देखिए एलसीएम, देखिए चार गुणे छह करना आप और बटे क्या करना, दोनों में कॉमन कितना है, दो है। और यदि आप इसे काट देते हैं तो चार तरी 12 आ जाएगा इनका एलसीएम। और देखिए अब हम पलट के यदि मान निकालते हैं तो यहाँ पे हमने लिखा था, अब हम छह स्टार चार निकालेंगे और छह स्टार चार का मतलब होगा छह तथा चार का एलसीएम। तो देखिए फिर भी एलसीएम उतना ही आएगा क्योंकि पलट के भी आप निकालें, मतलब यदि आप ऐसा करते हैं कि छह गुणे चार करते हैं और इनका जो कॉमन है बटे में रख देते हैं तो भी आखिर आएगा तो वही 12 ही आएगा एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम आखिर 12 ही आया है। तो हम कह सकते हैं अतः जो स्टार संक्रिया है वो क्रम विनिमय है। तो देखिए हमने लिखा आता है स्टार संक्रिया क्रम विनिमय है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन इसी का है, क्या संक्रिया जो स्टार है वो साहचर भी है? तो यदि हम देखें तो साहचर के लिए नियम जो होता है वो तीन राशियों के बीच होता है, ए स्टार बी स्टार सी। पहले ए और बी में कोष्टक होता है, फिर बी और सी में कोष्टक होता है। तो इसका और इसका आंसर क्या सेम आएगा चाहे कोई भी अवयव ले लें? तो देखिए साहचर्य में हम जब तीन राशियों की बात करेंगे तो देखिए जब हम ए स्टार बी निकालेंगे तो ए और बी का एलसीएम आएगा, और फिर जो ए और बी का एलसीएम होगा उसका जब सी के साथ स्टार करेंगे तो ए बी सी तीनों का एलसीएम हो जाएगा। और सेम बात यहाँ पे भी रहेगी कि जैसे ए स्टार बी स्टार सी है, पहले आप बी और सी का एलसीएम निकालेंगे, जो आया होगा उसका आप ए के साथ एलसीएम निकाल देंगे तो आएगा तो आखिर तीनों का एलसीएम। तो यहां पे जो संक्रिया होगी वो साहचर्य होगी। तो देखिए यहां पे हमने लिखा एन में ए स्टार बी स्टार सी का यदि हम मान निकालते हैं तो देखिए क्या आएगा, यहां ए स्टार बी का मतलब होगा ए तथा बी का एलसीएम, ए तथा बी का एलसीएम होगा इसका मतलब। फिर हमने कोष्टक लगाया, फिर है स्टार सी लिखा, तो देखिए अब ए तथा बी का एलसीएम और फिर स्टार सी लगा है, मतलब अब इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ए बी तथा सी का एलसीएम हो जाएगा, ए बी तथा सी का एलसीएम होगा। अब देखिए यदि हम इसे इस रूप से निकालते हैं तो हमने कहा तथा ए स्टार बी और सी में कोष्टक लगा के चलते हैं तो मान क्या आएगा। तो देखिए ए लिखा फिर स्टार, पहले हमें कोष्टक को सॉल्व करना होगा तो ए स्टार लिखना होगा। बी स्टार सी का मतलब क्या होगा, बी तथा सी का एलसीएम, तो हमने लिखा यहाँ बी तथा सी का एलसीएम। अब देखा जाए यदि तो ए और कोई भी संख्या है तो ए का और इस संख्या का एलसीएम तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ए बी तथा सी का एलसीएम बन जाएगा, ए बी सी तीनों का एलसीएम यहाँ पे बन जाएगा। तो आखिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसके बराबर और इसके बराबर ये दोनों चीजें बराबर हैं, मतलब जो संक्रिया है वो साहचर है। तो देखिए हमने लिखा आता है ए स्टार बी स्टार सी का मान बिल्कुल बराबर आ चुका है ए स्टार बी स्टार सी के, एक बार ए और बी में कोष्टक लगा के और एक बार बी और सी में कोष्टक लगा के। इसलिए जो संक्रिया है वो संक्रिया क्या है, साहचर्य है। अब देखिए आप चाहें तो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं लेकिन एग्जाम्पल देना बिल्कुल भी हमें जरूरी नहीं लगता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न चौथा है जो, तो चौथे में देखिए क्या है, एन में प्राकृत संख्याओं में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तो देखिए तत्समक अवयव कैसे ज्ञात किया जाता है, तो ध्यान देना तत्समक अवयव को हम ई के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है ना। तत्समक अवयव को हम ई के द्वारा दर्शाते हैं और इसके लिए शर्त क्या होती है, तो देखिए यहां पे ए का हम किस संख्या के साथ स्टार करें के आंसर ए ही आ जाए, या फिर हम पलट के भी कह सकते हैं कि किस संख्या के साथ एक संख्या का स्टार करें के आंसर ए ही आ जाए। तो देखिए अलग अलग सवाल के लिए अलग अलग आंसर हो सकता है। जैसे हमने कहा पांच का हम किस संख्या के साथ स्टार करें के आंसर आपको पांच आ जाए, पलट के भी हम कह सकते थे यहां पे किस संख्या का पांच के साथ स्टार करें के आंसर पांच आ जाए। तो यहां पे वो निर्भर करता है संक्रिया पर, जैसे ए स्टार बी का मतलब क्या है तथा बी का एलसीएम, तो हम पांच का किस संख्या के साथ एलसीएम निकालें
एलसीएम 5 ही आ जाए, तो आप कहेंगे 5 का 1 के साथ एलसीएम निकाला जाएगा तो 5 ही आएगा। अब देखिए किस संख्या के साथ 5 का एलसीएम 5 आएगा, तो केवल 1 के साथ ही, क्योंकि 1 और 5 का एलसीएम जो होता है वो 5 होता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि तत्समक अवयव के लिए जो शर्त होती है, तत्समक अवयव के लिए कौन सी शर्त होती है, जो ध्यान रखना, तत्समक अवयव को हम ई के द्वारा दर्शाते हैं, तो ए स्टार ई का मान ए होना चाहिए। तो ए स्टार ई का जो मान होना चाहिए वो ए होना चाहिए। हम पलट के भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ई और ए का जो स्टार होना चाहिए वह भी ए होना चाहिए। और जहां पे ए का जो मान होता है वो कहाँ से होता है, ए का जो मान होगा प्राकृत संख्याओं से होगा, और ई का मान भी जो होना चाहिए वो भी प्राकृत संख्याओं से, क्योंकि प्राकृत संख्याओं के रूप में यहाँ पे बात चल रही है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ ई बराबर 1, यदि हम ई बराबर 1 लेते हैं तो फिर ए स्टार, तो यहाँ पे ए स्टार 1 का जो मान होगा वो क्या होगा, ए तथा 1 का एलसीएम। और ए कोई यदि संख्या हो, जैसे मान के चलो 10 हो, तो 10 और 1 का आप एलसीएम निकालेंगे 10 आएगा, 5 हो तो 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा, तो ए और 1 का जो एलसीएम होगा वो ए होगा। यदि हम पलट के भी देख लें कि 1 और ए का स्टार करें, तो यहाँ पे 1 तथा ए का एलसीएम होगा, और 1 तथा ए का जो एलसीएम होगा वह भी ए होगा, क्योंकि 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 और 10 का एलसीएम 10 होगा। तो यहां से बात स्पष्ट होती है कि ए स्टार ई का मान ए कब होता है, जब ई का मान 1 लिया जाए, तो हम कहेंगे अतः स्टार संक्रिया जो है उसमें तत्समक अवयव जो ई है उसका मान 1 है। तो यहाँ पे हमने लिखा आता है एन में, मतलब प्राकृत संख्याओं में स्टार संक्रिया का तत्समक अवयव ई बराबर 1 है। अब देखिए इसी का पांचवा है कि एन में कौन कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय होंगे। तो देखिए व्युत्क्रमणीय अवयव कैसे ज्ञात किए जाते हैं, तो इसके लिए जो नियम है वो आप ध्यान देना। देखिए अब आप ई का मान यदि निकाल चुके हैं तभी व्युत्क्रमणीय अवयव निकाला जा सकता है। कहने का मतलब है व्युत्क्रमणीय अवयव के लिए ए और बी दो व्युत्क्रमणीय अवयव हो सकते हैं यदि ए और बी का जो मान है वो एक तत्समक अवयव हो जाए। पलट के भी हम यही बात कह सकते हैं कि यदि बी और ए दो अवयव व्युत्क्रमणीय हैं तो उन दोनों की संक्रिया का मान जो होना चाहिए वो तत्समक अवयव ई होना चाहिए, और ई का मान आपके पास कितना है, 1 है। तो कहने का अर्थ है ए और बी ऐसी दो संख्याएं लेना है आपको ताकि उनकी संक्रिया लगाने पर आपको आंसर कितना मिल जाए, 1 मिल जाए। जैसे कि आप देखिए, जैसे हमने कहा 2 और 2 का यदि आप संक्रिया लगा करके मान निकालेंगे, तो देखिए 2 संक्रिया 2 का मतलब क्या होगा, जब आपको पता है ए संक्रिया बी का मतलब है ए तथा बी का एलसीएम, तो यहाँ 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। लेकिन हमें आंसर चाहिए 1, 2 आंसर नहीं चाहिए। और 1 आंसर कब मिल सकता है, जब हम 1 संक्रिया 1 करें, 1 स्टार 1 करेंगे तो 1 और 1 का एलसीएम आपको 1 मिलेगा। तो कहने का अर्थ है कि ए का मान आपको 1 लेना पड़ेगा, बी का मान 1 लेना पड़ेगा, तभी आपको तत्समक अवयव आंसर के रूप में प्राप्त हो सकता है। तो देखिए व्युत्क्रमणीय अवयव के लिए जो शर्त होती है वो शर्त लिखेंगे कि ए स्टार बी का जो मान होता है ई होता है। यदि आप पलट के भी मान निकालें बी स्टार ए का मान, तब भी क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। और यदि हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे यदि हम ए और बी के मान, ए का मान भी 1 लें तथा बी का मान भी यदि हम 1 लेते हैं, तो ही ऐसा हो सकता है कि यहाँ 1 स्टार 1, मतलब यहाँ पे हम कहेंगे 1 तथा 1 का एलसीएम, 1 तथा 1 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 1 होगा। 1 मतलब जो कि आपका तत्समक अवयव जो है ई आ चुका है। अब पलट के आपको निकालने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि एक स्टार एक को पलटेंगे तो आंसर तो वही आएगा, एक और एक में कोई डिफरेंस तो होता ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ए का मान एक होगा और बी का मान एक होगा, मतलब पूरी प्राकृत संख्याओं में से केवल एक ही ऐसा अंक है जिसके लिए जो है व्युत्क्रमणीय संक्रिया हो सकती है। तो देखिए हमने लिखा आता है एन में, मतलब प्राकृत संख्याओं में ए और बी का मान यदि एक लिया जाए तो एक अवयव ही ऐसा है जिसके लिए जो है संक्रिया व्युत्क्रमणीय है। तो फिर आप कह सकते हैं इसलिए व्युत्क्रमणीय अवयव केवल एक है। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न 6 के अंतर्गत 5 सवालों को किया। आगे के वीडियो में हम आगे के सवाल करेंगे। धन्यवाद।